हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हाल में ही थी मेरे भाई की एंगेजमेंट, जिसमें मैंने और मेरे हस्बैंड ने भाभी को ड्राई फ्रूट गिफ्ट किया था और ये गिफ्टिंग स्टाइल सबको बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये पैकिंग करने के लिए हमें सेलोफेन शीट की ज़रूरत होगी, जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाती है। और इसके हम बनाएंगे ढेर सारे कोन, जैसे मेहंदी के कोन बनते हैं ना, हमें बस वही मेहंदी के कोन बनाना है और उनमें ड्राई फ्रूट फिल करके पीछे रबड़ लगा देनी है। दोस्तों, इसके बाद मैंने लिया हुआ है एक साड़ी का पुराना बॉक्स और इस बॉक्स से मैं बनाऊंगी एक कोन। स्टेपलर की हेल्प लेंगे ताकि जो भी हम कोन अपना ये बना रहे हैं वो मजबूत बना रहे, ओपन ना होने पाए। और जब कोन हमारा बनकर रेडी हो जाएगा तो हम इसका ऊपर वाला पार्ट कट कर देंगे और उसी में ही हम अपनी डॉल को फिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने लिया है केक का बेस ट्रे और इसी पे मैं अपनी डॉल को फिक्स करूँगी ग्लू गन की हेल्प से। हमारी डॉल जब फिक्स हो जाएगी ना, तो फिर इसके बाद हम जो ड्राई फ्रूट वाले कोन्स बनाए हुए हैं उसे फिक्स करेंगे और ग्लू गन की हेल्प से करेंगे। हम डॉल की कमर पर इसे फिक्स करेंगे, ऊपर जो कोन थोड़ा सा निकला हुआ है उसे हम अंदर की तरफ दबा देंगे, जिससे वो देखने में ख़राब ना लगे। अब आप देख सकते हो कि हमारे सारे कोन्स फिक्स हो चुके हैं और इसके बाद अब हम करेंगे लेस वर्क।
उसके बाद मैंने एक छोटी सी पॉलिथीन में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और ग्लूगन की हेल्प से लेस लगाया और छोटा सा क्यूट सा डॉल का बैग रेडी कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। ओके, तो हमारी डॉल हो चुकी है रेडी, तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।